नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोना चौहान और आप देख रहे हैं अनंत समाचार। खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राजधानी में व्यापारियों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण पर सख्त हुए नगर आयुक्त, कहा अतिक्रमण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास पर घेराव। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान का बीजेपी प्रवक्ता ने किया बचाव। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड राजधानी दून को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए लगातार राजधानी के सौंदर्यकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हालात ये हैं कि राजधानी के बाजारों में व्यापारियों द्वारा सड़क पर 5 से 6 फीट तक दुकानें आगे लगाकर स्मार्ट सिटी योजना पर ग्रहण लगाने के कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना को लेकर भी सरकार और मुख्य नगर अधिकारी भी चिंतित हैं। दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने पर जुर्माने के साथ साथ चालान काटने की बात भी मुख्य नगर अधिकारियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों को तुरंत हटाकर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अल्टीमेट पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि देखिए, सुरक्षा के लिए उन्हें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ये बात आपकी सही है कि पिछले समय से देहरादून में काफ़ी कम केसेस आ रहे थे, लेकिन कल पहली बार 40 केस क्रॉस किया है और जो टेंडेंसी पूरे देखने को आ रही है कि थोड़ा बढ़ोतरी की तरफ है। हम लोग इस पर पुनः एक अभियान शुरू करने को करेंगे। जहाँ तक अतिक्रमण का प्रश्न है, तो मैंने अभी अपने TS लैंड को बुलाया है, उनको मैं भी निर्देश दे रहा हूँ कि जाकर वो देखें कि अतिक्रमण कहाँ है, यदि है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा एक अधिवेशन में दिए गए महिलाओं की जींस पर बयान को लेकर जहां एक ओर सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, वहीं आज भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अभिभावक की भूमिका के तहत ये बताया कि आज समाज का कोई भी वर्ग अपने बच्चों के प्रति कितना सजग है। उन्होंने ये संदेश दिया कि आज जिस प्रकार बच्चों में नशाखोरी और अभिभावकों का सम्मान खत्म हो रहा है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। और कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या उसकी लड़की किसी पहनावे को लेकर विवादों में आए, परंतु आज जिस प्रकार विपक्ष मुद्दाविहीन होने के कारण बौखलाया है। हमारे नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर बच्चों को समझाने की कोई बात कही है, तो उसमें मुझे लगता है कि इतना बतंगड़ बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम स्वयं व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं कि हमारा बेटा संस्कारित हो, हमारी बेटी संस्कारित हो, ये आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ। अगर उन्होंने कोई एक गार्जियन के रूप में या भाव के रूप में उन्होंने एक कोई बात कह दी है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। विरोधियों पर मुद्दाविहीन हो गए हो कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कि कोई मुद्दा है क्या? कौन सा गार्जियन जो है तो अपने बच्चों को नहीं समझाता है कि बेटे आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये गार्जियन की भूमिका में क्या है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। हालांकि पुलिस ने उनको सीएम आवास तक नहीं जाने दिया, पहले ही बैरिकेडिंग कर उनको रोक लिया गया, जहां पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक भी काम जनता के हित में नहीं किया है और सरकार के मुख्यमंत्री बदलकर अपनी नाकामयाबी को छिपाने का काम किया है और 4 साल जनता के बर्बाद किए हैं। मुख्यमंत्री को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि पिछले 4 साल में प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ और भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका धन्यवाद करने के लिए हमें, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो 4 साल खराब हुए, जो 4 सालों में काम नहीं हुआ उसका जवाब निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अब आए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में वो कुछ काम नहीं कर पाए, इसके लिए माफी और साथ ही साथ अगले साल काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो सीट पर बैठा उसे जवाब जरूर देना चाहिए, उसी काम आज आए हुए हैं और ये प्रक्रिया आज छुपी है। जब तक ये जवाब हमें नहीं मिलेंगे तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें अनंत समाचार।